हेलो गाइस, तो मैं आपको किसी भी कमज़ोर स्टूडेंट को होशियार बनाने के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने, बेसिक मैथ। इसमें हम जितने भी 10th तक की सामान्य बेसिक मैथ होती है उन सभी के नियम को देखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम आपको शून्य से रिलेटेड जितने भी नियम हैं वो आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला नियम, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर हमें बराबर जीरो प्राप्त होता है। इसे एग्जांपल 2 × 0 = 0। किसी भी संख्या में जीरो का भाग देने पर भी हमें अनंत संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे कि 2/0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/2, तो हमें यहाँ पर आंसर में अनंत संख्या प्राप्त होगी। और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर बराबर हमें जीरो ही प्राप्त होता है। मतलब किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर भी हमें जीरो प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या में जीरो में किसी संख्या का भाग देने पर भी हमें जीरो ही प्राप्त होता है। और एक नियम और है, अगर किसी संख्या की घात अगर आपको जीरो दिखे तो वहाँ पर उसका मान 1 होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ व घटाव व गुणा के नियम। तो सबसे पहले नंबर 1, किसी भी संख्या के आगे प्लस का निशान लगा होता है। तो ये देखिए, जैसे कि 1 है तो ये धनात्मक 1 है या ऋणात्मक 1, तो आपसे कोई पूछे तो इसे बताना प्लस, यानी कि ऋणात्मक 1। किसी भी 2 संख्याओं के बीच अगर आपको प्लस व प्लस का निशान दिखे तो आपको वहाँ पर प्लस यानी कि जोड़ ही करना है। और किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अगर आपको माइनस व माइनस का निशान दिखे तो भी आपको वहाँ पर जोड़ ही करना है। और किसी भी 2 संख्या के बीच अगर प्लस व माइनस का निशान दिखे तो आपको माइनस यानी कि घटाव करना है। किसी भी 2 संख्या के बीच में अगर माइनस व प्लस का निशान दिखे तो भी आपको वहाँ पर घटाव करना है। इसे एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 + 2, तो आपको यहाँ पर जोड़ करना है, तो बराबर 4। 2 और 2 कितने देते हैं 4। और अगर आपको किसी माइनस से कि -2 - -2, तो बराबर आपको यहाँ पर इनका जोड़ करना है। मतलब -2 और -2 कितने होते हैं 4। और इसका सिंबल लगाने का तरीका होता है कि जो संख्या इन दोनों में से बड़ी हो उस पर कौन सा सिंबल लग रहा है वही उस आंसर का सिंबल लगेगा। तो देखिए, ये दोनों बराबर है तो इसमें इन दोनों में माइनस का निशान लगा तो इसमें माइनस लगेगा। इसे प्लस व माइनस, जैसे कोई संख्या +2 - -1 ये आ जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पर माइनस करना है। मतलब -2 में से -1 करना है, तो आंसर आएगा 1। और सिंबल कौन सी संख्या का बड़ा है, मतलब 2 का, तो यहाँ पे प्लस एक को हम 1 ही बोल सकते हैं, मैं आपको बताया यहाँ पे। ऐसे ही -2 + 1 आ जाए तो बराबर आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस और प्लस बराबर घटाव करना है आपका। तो 2 में से 1 गया कितने, उसके 1। उस 1 के सिंबल कौन सा लगेगा आप हमें कमेंट में बताइए। 1, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो ये देखिए, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, बड़ी संख्या कौन सी है 2, इसका कौन सा सिंबल है माइनस, तो इसका भी माइनस का सिंबल लगेगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
ये मैंने आपको जो भी अभी जोड़ व घटाव के नियम बताए ये आपको गुणा में भी लागू हो सकते हैं और भिन्नों वाले जोड़ व घटाव में भी लागू होते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपने एक साथ दो चीज़ों को समझा है। चलिए हमारे इस नियम को हम गुणा के ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे कि कोई प्लस दो गुणा प्लस दो आ जाए तो बराबर दो को दूसरे गुणा करने पर कौन क्या आता है चार, लेकिन सिंबल यहाँ पर किसका होगा प्लस का। इसमें थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर हमने जोड़ व बाकी में तो सिंबल्स के नहीं जोड़ व घटाव की बात की थी कि जोड़ सिंबल्स के द्वारा आपको जोड़ करना है या बाकी करनी है। इसमें आपको सिंबल्स के द्वारा आपको सिंबल्स लगाने, जैसे कि दो व दो को गुणा करने पर कितने आते हैं प्लस के चार, वैसे ही माइनस दो गुणा माइनस दो करेंगे तो बराबर हमें प्लस चार ही प्राप्त होंगे। माइनस माइनस प्लस व प्लस दो गुणा माइनस दो करते हैं आप तो भी हमें माइनस चार प्राप्त होंगे। इसमें वो नियम नहीं है कि कौन सी संख्या बड़ी है और उसका कौन सा सिंबल है, वही उस आंसर में सिंबल लगेगा। फिर करते हैं बात हम माइनस दो गुणा प्लस दो की तो बराबर तो भी हमें माइनस चार ही प्राप्त होंगी। तो ये तो था जोड़ वह बाकी या घटाव के लिए, ये है गुणा के लिए। भाग के लिए कोई भी नियम है तो नहीं है, तो चले हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भिन्नों के जोड़ बाकी व गुणा के बात करते हैं। जैसे कि एक भिन्न आपके पास एक बटा दो प्लस एक बटा दो, इसे हमारी आम बोलचाल भाषा में हम आधा बोलते हैं। चलिए इसको आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका लसर लेना होगा। तो लसर कैसे लेते हैं, अब इस दो और दो में आप पहले किसका भाग देंगे, तो इसमें हम आपका दो का भाग देते हैं। तो इसमें एक बार गया तो इसमें भी एक बार, तो आंसर के आंसर को कितना आया दो। अब दो में दो का भाग देने पर, सुनिए ध्यान से सुनिए, दो में दो का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है एक गुणा, ऊपर वाली संख्या कौन सी है इसको हम अंश, इसको हर बोलते हैं, अंश कौन सा है एक, बीच में सिंबल किसका प्लस का, दो में दो का भाग देने पर एक गुणा, ऊपर अंश कौन सा है एक, एक तो एक गुणा एक बराबर एक, हमने आपको बताया प्लस एक बटा दो, एक एक कितने होंगे दो बटा दो बराबर एक आंसर होता है। और हम भी अपनी भाषा में कहते हैं आधा और आधा एक होता है। ये तो जोड़ का नियम। इसी प्रकार घटाव में भी आप यहाँ पे जो प्लस का निशान है वहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर वन प्लस वन नहीं होगा, वन माइनस वन होगा, और वन माइनस वन बराबर जीरो, जीरो बटा दो हमने अभी अभी आपको बताया है कि किसी भी संख्या में नहीं, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर, जैसे कि दो का भाग देने पर हमें जीरो ही प्राप्त होता है। डन, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, तब हम बात करते हैं गुणा की। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, तीन बट्टा दो गुणा दो बट्टा चार, तो इसमें आप क्या करना है, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर, तो अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है, ऊपर वालों को ऊपर वाले से, नीचे वालों को नीचे वालों से। तो ये देखिए कितने हो गए, तीन गुणा दो बराबर छः बट्टा चार गुणा दो बराबर आठ, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हम भाग के नियम की बात करते हैं। तीन भाग दो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि तीन बट्टा दो, बट्टा का मतलब ही होता है भाग,
अगर आपको किसी ये दे 3/2 × 4/2 तो आपको सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है, 12/4 और 12 में 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 3। ये 12 बराबर आंसर आएगा हमारा 3। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और होता है, किसी भी संख्या कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कि ये 3/2 × 2/4 है, तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 3×2 = 2, 6/8 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तो उसे काट कर आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि आपको दे दी जाए 208 × 206 / 306, अगर आप इनको गुणा करने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो इसे काटने का एक नियम होता है, पहला नियम, यह नियम मैंने खुद ने बनाया है। तो ये देखिए, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या ही कटेगी हमेशा, ऊपर कटेगी, लेकिन ये दोनों एक ही पहाड़े से कटेंगी। जैसे कि 208 में हम 2 का भाग देंगे, 306 में भी हमें 2 का भाग ही देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें भाग देने के लिए एक शॉर्ट तरीका होता है, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ। 2 है इसमें, 208 में हमें 2 का भाग देना है, तो 2 है ना, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो एक बार, फिर 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए 0 का 0। 8 में हम अगर 2 का भाग देंगे तो 8 का 4 गुणा 206, इसको हमने 2 के भाग से काट दिया है, तो हमें इसमें भी 306 में भी 2 का भाग देना होगा। भाग देना व काटना एक ही होता है। 306 में 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो एक बार, तो कितने बच गए? 1। आगे वाली संख्या कौन सी है? 0। 10 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 5 बार, फिर आगे वाली संख्या कौन सी है? ये तो हो गया 6। 6 में हम अगर 2 का भाग देंगे तो 3। तो ऐसे आप इसको, अभी देखिए अभी और नहीं कटेगा, तो आपको इसमें गुणा करके ही लिखना होगा। तो ऐसे भी आप किसी भी संख्या को काट कर लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम आगे हल कर 104 × 206 होते हैं, इसमें 153 का भाग देंगे तो हमारे पास में कुछ आंसर आएंगे, जैसे 140 आएंगे। तो ये हो गया भिन्नों के जोड़ की गुणा भाग। तो अब हम बात करते हैं चर व अचर पद की। चर व चर पद वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे अक्ष, वाई, जेड या ए बी सी डी में से कोई सा भी। इसका हम कोई मान सकते हैं, अक्ष बराबर 1 रख सकते हैं, वाई बराबर 2 रखते हैं, तो इनका मान बदलता रहता है। और अचर पद वे होते हैं जिनका मान नहीं बदलता, इनका तो बदलता है, इनका मान नहीं बदलता, जैसे कि 1, 2 या कोई भी नंबर 3, 4, इनमें से क्या कोई भी नंबर अचर पद की श्रेणी में आता है। इसलिए हम देखते हैं अचर पद व चर पदों के जोड़ बाकी गुणा भाग। तो मैं इसमें भी आपको हमें वही नियम लागू होंगे। तो ये देखिए, ये जो है इनमें भी लागू होंगे, इसी प्रकार आपने इनको गुणा किया तो हमने ऐसा लिखा था, तो इनको भी आपको ऐसा लिखना है। बस यहाँ पर अगर 2 अक्ष आ जाए तो यहाँ पर भी अक्ष लिख देना है, 3 अक्ष 2 अक्ष स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर भी आपको अक्ष स्क्वायर लिखना है। कोई भी अचर पद के साथ चर पद आ जाए तो आपको आंसर में भी वहीं चर पद डालना है, क्लियर? तो ये तो हो गई इनके गुणा की बात। अब मैं आपको कुछ भाग के लिए कुछ बातें बताता हूँ।
अगर आप किसी चर पद को चर पद से गुणा करते हैं तो होगा अक्स स्क्वायर। अगर आप किसी चर पद को चर पद में जोड़ते हैं तो आपके पास होगा 2x। ये दो बातें सिर्फ चर पद के लिए, किसी भी चर संख्या को चर से गुणा करने पर उसका स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स लिखते हो तो भी अक्स क्यूब आएगा। ऐसे ही ये दो हैं, मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर एक होता है किसी भी चर पद के साथ, तो एक और एक दो, और अक्स साथ में उनके, चर पद साथ में, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये हो गया भाग के लिए, जोड़ के लिए चर प्लस अचर होता है, तो बराबर आपको हम एग्जाम्पल की तरह बता दें, जैसे कि चर तो हो गया अक्स प्लस दो करते हैं तो आप ये हल नहीं कर सकते ऐसे। मतलब ये कभी भी जुड़ते नहीं। और अगर आप इनको गुणा करते हैं, जैसे कि दो गुणा अक्स गुणा दो हो जाए तो आपके पास में आएगा 2x। आप इनको जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, और इनमें भाग देने के लिए एक विधि होती है भाग विधि, वो आपके भी काम में नहीं आएगी। और इनको आप सिर्फ गुणा कर सकते हैं ऐसे चर व अचर पद को, अगर दोनों पद अलग अलग हो तो। और अचर पद या चर पद, जैसे कि ये दोनों यहाँ पर चर है, ये भी चर है, इसको आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, और बाकी भी कर सकते हो, भैया सॉरी गुणा और भाग भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। थैंक यू।